क्या आपको पता है कि हमारा टेंशन स्पैम कम होके गोल्ड फिश के बराबर हो गया है, और यह सब कुछ, ये सारा क्रेडिट जाता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और स्पेशली टिकटॉक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टिकटॉक इज मोर डेंजरस देन अ न्यूक्लियर वेपन। Like her fucking skin is growing onto this phone. She never goes anywhere without this phone in her hand, and she's always looking at it. Like yeah. She can't talk to anybody for 5 seconds without looking at her phone, checking TikTok. Short form content ko introduce kiya tha Twitter ne in 2013. Ek app tha known as Vine. लेकिन ये हुआ कि 2017 में ये ऐप को बंद किया गया क्योंकि ट्विटर वॉज नॉट इंटरेस्टेड एंड थॉट दैट कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का इतना स्कोप नहीं हो सकता है, देसी अप्रोच। लेकिन एक चाइनीज टेक कंपनी है जिसका नाम है बाइटडांस, इन्होंने एक ऐप को इंट्रोड्यूस किया इन चाइना जिसका नाम है डोंगयांग, जो बाद में लेटर ट्रांसलेट करके जिसको हम टिकटॉक बोलते थे इन 2016। और इन्होंने एक बड़ा गेम ये चलाया कि जो एक मशहूर ऐप था जिसका नाम था म्यूजिकली, उसको उन्होंने $900 मिलियन में ख़रीदा और बस उसके बाद तो इन्होंने तबाही मचा दी। Chinese Communist Party, do with all this information. Build dossiers, build files on every American they can get their hands on. कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह इस टेक कंपनी के पीछे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। A ban on Chinese social media apps, especially TikTok. सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक चाइनीज कंपनी है, जिस तरह हवावे चाइनीज को डेटा लीक करती थी, इसी तरह टिकटॉक इज सपोज टू गिव डेटा टू चाइनीज गवर्नमेंट। जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं, चाहे वो टेक के हो या किसी और फील्ड के हो, दे आर बाउंड बाय गवर्नमेंट और वो सारे गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, चाहे वो जैक मा हो या चाहे वो टिकटॉक हो। कि जब आप साइन अप करते हैं टिकटॉक के लिए और आप उसको एक्सेस देते हैं, उनको परमिशन देते हैं, तो उनके प्राइवेसी पॉलिसीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके फ़ोन में जो आप सर्च करेंगे, जो आपके फ़ोन में डेटा होगा, सारा ट्रैक होगा और उनके पास चला जाएगा और वो मॉनिटर करेंगे। ये कुछ चार पॉइंट्स थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट्स आर कंसर्न अबाउट टिकटॉक सीरियसली। टिकटॉक कलेक्टिंग एज इट रन्स ऑन आवर फोन्स अ हेक ऑफ अ लॉट मोर देन यू वुड थिंक। इमेजेस ऑफ कोर्स दैट यूजर्स पोस्ट। But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots, lots more. And I can tell you. David Mamet, a playwright, who says that TikTok's algorithm is so addictive. और टिकटॉक वो दिखाता है जो वो चाहता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं देखते हैं, बल्कि टिकटॉक आपको दिखाता है। देखिए, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं वो सारे ह्यूमन साइकोलॉजी के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन को डिसीव करने के लिए, ह्यूमन को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन जो टिकटॉक है, इट्स ऑन नेक्स्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक वही ऐप है जिसने ह्यूमन नेचर को डिकोड किया है। देखिए, इसकी मिसाल ऐसी है कि टिकटॉक नोज कि जो इंसान है, ही क्रेव्स फॉर थ्री थिंग्स। नंबर वन इज़ मनी, नंबर टू इज़ फेम, एंड नंबर 3 इज़ लस्ट। अब जब भी टिकटॉक खोलते हैं तो आपका फीड इन तीन चीज़ों के रिलेटेड ही होता है। सो दिस इज़ सो मच डेंजरस। और ये जो चीज़ है, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। साथ ही साथ टिकटॉक आपको आपसे ज़्यादा जानता है, उसको आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता है, आपका म्यूजिकल टेस्ट पता है, आप डिप्रेस हैं या नहीं हैं ये भी उसको पता है। TikTok has demoralized our values, our ethical system,
और अवर हमारी पर्सनालिटी को। आपने देखा होगा कि बहुत अजीब व गरीब हरकत करते हैं कुछ लड़के लड़कियां बन के, लड़कियां लड़के बन गए, कुत्ते बन रहे हैं और इसी तरह के बहुत सारे एब्सर्ड काम करते हैं जस्ट टू गेट दैट चीप 15 सेकेंड्स ऑफ फेम फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी ह्यूमन साइकी के अंदर कितना डीपली इसने इम्पैक्ट किया है टिकटॉक ने। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दैट इज़ सेक्सुअल अपील। ठीक है, अंडर एज गर्ल्स, अंडर एज बॉयज, दे आर डूइंग वीर्ड स्टफ जो कि सेक्सुअली अपील करता है लोगों को, एंड दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज, और बाद में वो लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर देता है। तो ये जो सेक्सुअल प्रोवोकेशन है टिकटॉक ने उसको बहुत एनहेंस्ड किया है। देखें, टिकटॉक इज़ रीशेपिंग आवर आइडियोलॉजी, और कोई भी चीज़ हमारी आइडियोलॉजी को शेप करती है या हमारे परसेप्शन को चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ ऑल द कंट्रोल, उसके पास है सारा कंट्रोल, हमारे पास कुछ नहीं है, और जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, फॉर आपकी इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए। और इसकी एक मिसाल ये है कि टिकटॉक पे आपको रिगार्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट कुछ नहीं मिलेगा, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट देम। देखें, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट इज ट्रेंडिंग दीज डेज और इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर मेंटल हेल्थ और हमारे अटेंशन स्पैन के लिए। लेकिन अगेन, ऑल दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको तो बस व्यूअर रिटेंशन चाहिए, उनको तो व्यूज चाहिए, उनको तो क्या कहते हैं ना, दे नीड सब्सक्राइबर्स, और इन दी एंड देयर पर्पज़ इज़ टू मेक मनी एंड आवर पर्पज़ इज़ टू वेस्ट टाइम। लेकिन ये है कि जो जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उसको कैलकुलेट करें, और जो कॉन्टेंट देख रहे हैं खुदा रहा उसको आप एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करें कि आप किस टाइप का कॉन्टेंट देख रहे हैं, क्योंकि वही कॉन्टेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और उसी कंटेंट की, देखें आप जो देखते हैं, जो कंज्यूम करते हैं वो बन जाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश की जाती है कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं थोड़ा एहतियात, थोड़ा कॉन्शियस होके, थोड़ा रैशनल बन के आप उसको कंज्यूम करें। और रही बात टिकटॉक की, तो टिकटॉक इज़ डेंजरस देन एन न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि ये इंसान के नेचर के जड़ों में घुसा हुआ है, इट्स इन आवर रूट्स, और कोई चीज़ रूट्स में घुसने की कोशिश करता है तो इट विल चेंज एवरीथिंग। लेकिन अगेन, इंसान की फितरत ऐसी है ना कि पैसा और फेम के चक्करों में सब कुछ भूल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।